और प्रिय श्रोताओं, ये बात की समय की कि चार पणिहारी कुएं ऊपर पानी भरने के लिए चलती हैं और अपने अपने पतियों के बारे में चर्चा करती हैं कि बहना तेरा पति कैसा है, तेरा पति कैसा है। तो किस तरह से एक बात के द्वारा कवि ने क्या लिखा भला, हे रकर के हार श्रृंगार नार वे और अपन घट कानी चार चली। करके हार श्रृंगार नार वे पर घट कानी चार चली। बाजी पायल रकर की घायल वनना की तलवार चली। और करके हार श्रृंगार नार वे पड़ी वे इतनी सुन के आस पड़ी वे मंद मंद रफी तार चली। बाजी पायल ये करकी घायल नैना की तलवार चली।
बोली ये पति पल सत्य का जतिया ऐसी अमीरी ये छुटकी सारी और नहीं दागता मेरा जिया हावन पी वे आसे ना पले बैठा रे से घर आतिया गंद चक्कर में ये माड़ा हो जा पहले जी सारो दिलिया रिश्वत देखे लाग्या था ये रिश्वत देखे लाग्या था ये जिंदगी हो बेकार सदी बाजी पायल कर की घायल नैना की तलवार चली कर के हार श्रृंगार नार वे बनगट कानी चार सदी महोदय ने बहुत विशेष बात कही कि इन गावणियों के साथ इनकी घराली कैसे रहती हैं, इनका आपस में कैसा तालमेल है, तीसरे से चौथी कली में क्या कहा भला। और आखिरी कली में लेखक महोदय ने बहुत सोच विचार करके चौथी कली में इन गावणियों के बारे में कि इन गावणियों के साथ में अपनी पत्नियों के साथ में इनका क्या व्यवहार है और किस तरह से आखिरी कली में क्या कहा। I'm a pirate.